गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 8, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक, पैरामीटर एंड एरिया, चैप्टर नंबर 14. डियर स्टूडेंट्स, इन बिटवीन द चैप्टर नंबर 8 एंड 14, सम चैप्टर्स आर गिवन, चैप्टर नंबर 9 to 13. These chapters are related to the geometry. This chapter also related to the geometry, but first of all we will do the perimeter and area, because this chapter we have already discussed in the 5th class, and in other chapters we will use the geometry box. If our schools will open, so we will do these chapters in the school, because in the school, in class, easily you will understand this chapter. So that's why we will start at first perimeter and area, chapter number 14. Now, perimeter and area, first of all we will discuss the perimeter. Perimeter kya hota beta? Perimeter is the measure of the boundary of a polygon. Kya hota hai perimeter? Perimeter is the measure of the boundary. बाउंड्री में सिर्फ उसके चारों तरफ, चाहे वो बाउंड्री सर्कल में है, चाहे वो ट्रायंगल में है, चाहे वो रेक्टेंगल में है, स्क्वायर में है, पेंटागन में है, हेक्सागन में, किसी भी फिगर में, कर्व में है, ओके, एलिप्स में है, किसी भी फिगर में हो सकती है वो. तो क्या होती है पैरामीटर? क्या होता है? सिर्फ उसकी बाउंड्री एनक्लोज्ड, यानी कि सॉरी, कोई भी एक पॉलीगोन, पॉलीगोन क्या होती है? एक क्लोज्ड फिगर होती है. और पॉलीगोन तो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती है. पॉलीगोन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती है. अब अगर हम सर्कल की बात करें, तो सर्कल क्या है? एक पॉलीगोन नहीं है, बट सर्कल का भी हम पैरामीटर निकालते हैं. बट सर्कल में हम पैरामीटर नहीं बोलते हैं, उसको एक अनदर नेम देते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस. तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉलीगोन्स की बात करेंगे. पॉलीगोन्स क्या है? जो क्लोज्ड फिगर होती है और स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती है. तो आई विल गिव द सम एग्जांपल ऑफ पॉलीगोन. अब पॉलीगोन के एग्जांपल क्या क्या है? ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगोन है. अब ट्रायंगल चाहे वो इक्विलेटरल है, चाहे वो आइसोस्केल्स है, चाहे वो स्केलन है, कैसी भी टाइप की ट्रायंगल है, वो क्या है? पॉलीगोन है. क्योंकि जो ट्रायंगल है वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है और क्लोज्ड फिगर है, दैट्स व्हाई दैट इज अ पॉलीगोन. नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल, अब जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जो फोर साइड से मिलके बनती है, फोर स्ट्रेट लाइन से. ओके, अब जो क्वाड्रिलेटरल के वी आर हैविंग द लॉट ऑफ एग्जाम्पल, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, दीज आर क्वाड्रिलेटरल. काइट, वो भी फोर साइड से मिलके बनता है, स्ट्रेट होती है, तो दैट ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल. और क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में? रोम्बस, पैरेललोग्राम, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर. सो वो क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल क्या है? इरेगुलर, यानी कि उसकी ऑल साइड्स अनइक्वल भी हो सकती हैं, ऑल साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं. अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो वो क्या है? स्क्वेयर है और रोम्बस भी है. बट स्क्वेयर में क्या है? ईच एंगल 90 डिग्री होता है, और जो रोम्बस होता है उसमें जो उसके डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. तो दिस वी विल डिस्कस इन द अनदर चैप्टर. सो एट नाउ, क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक फोर साइड्स की फिगर है, क्लोज्ड फिगर है. ओके, पेंटागन जिसमें फाइव साइड्स होती हैं, हेक्सागन जिसमें सिक्स साइड्स होती हैं, तो वो सारी की सारी फिगर क्या है? पॉलीगोन से. पॉलीगोन जो बेटा ट्राइंगल से स्टार्ट होती है, यानी कि क्लोज्ड फिगर होती है, मिनिमम उसमें थ्री साइड्स होती हैं, क्योंकि अगर आप टू साइड्स ड्रॉ करोगे तो टू साइड से आपकी ट्राइंगल यानी कि क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी, पॉलीगोन नहीं बनेगी. टू साइड से क्या बनता है? एंगल बनता है. ओके, सो क्या है पैरामीटर? क्या होता है? पैरामीटर इज द मेजर ऑफ द बाउंड्री, कि उसकी बाउंड्री को मेजर करना है हमें सिर्फ. वी विल मेजर ओनली द बाउंड्री. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ बुक, मेरे पास 6th क्लास की बुक है. अगर मैं इसकी बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी बाउंड्री को मेजर करूँ, कि इसी पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और इसकी सिर्फ बाउंड्री को मैं मेजर करूँ कि ये कितनी लेंथ है, यानी कि यहाँ से इसकी मेजरमेंट कितनी है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज़
20 सेंटीमीटर, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज 30 सेंटीमीटर, फ्रॉम हेयर टू हेयर अगेन 20, फ्रॉम हेयर टू हेयर अगेन 30. तो 20 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो वो क्या है, इसका पैरामीटर है. पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगन. अंडरस्टैंड, समझ आया? सो नेक्स्ट मैंने डेफिनेशन लिखी है, पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. कि एक क्लोज्ड फिगर है उसकी अगर हम साइड्स का सम कर देते हैं तो वो भी क्या कहलाता है बेटा, पैरामीटर कहलाता है. अगर आपको एक सिंपल फिगर गिवन है, आपको 7 साइड्स की, 8 साइड की, 9 साइड्स की, अगर वो इररेगुलर फिगर है, इररेगुलर मींस उसकी साइड्स अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो उनके लिए फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर या सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन. और अगर हमें एक स्पेशल फिगर गिवन है तो वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑल्सो. अब इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर, पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर, अब स्क्वेयर यू ऑल आर नो, स्क्वेयर क्या होता है बेटा, स्क्वेयर 4 साइड्स की फिगर होती है. और कैसी फिगर होती है वो 4 साइड्स की, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. नाउ आई एम हैविंग द बॉक्स ऑफ इंक, अब मेरे पास इंक का बॉक्स है. अब जो ये इंक का बॉक्स है इसकी शेप कैसी है, यू ऑल आर नो कैसी शेप है इसकी, क्यूबॉइड शेप है. दिस इंक बॉक्स शेप इज क्यूबॉइड. अब ये क्यूबॉइड शेप से बना है. अब इस क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप क्या होती है, क्यूबॉइड में क्या होते हैं, 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, उनमें से 6 के 6 रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, उनमें से 4 रेक्टेंगल और 2 स्क्वेयर भी हो सकते हैं, या 4 स्क्वेयर और 2 रेक्टेंगल भी हो सकते हैं. सो इन दिस इंक बॉक्स, अब यहां से देखो बेटा, ये जो फिगर है इसकी वो कैसी फिगर है, वो एक स्क्वेयर की फिगर है. कैसी फिगर है, स्क्वेयर, यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड ऑल साइड्स आर इक्वल. अब जो यहाँ पे हमारा जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की फिगर कैसी है, रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं है. इसकी सिर्फ ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. तो जहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है 4 साइड्स वाली फिगर में, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, वो क्या होती है, रेक्टेंगल. और जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और यानी कि स्टैंडिंग्स बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो वो क्या होता है, स्क्वायर. क्या होता है, स्क्वायर. ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि ईच एंगल इज 90 डिग्री. अगर आप स्क्वायर को बनाते हो तो यहाँ पे आपको एंगल, यानी कि स्ट्रेट लाइन अगर होती है तो आपकी वो कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल. अगर एक लाइन के ऊपर आप एक स्टैंडिंग लाइन खड़ी करते हो तो वो कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का. अंडरस्टैंड, एंगल्स यू लर्न अबाउट इन द लास्ट क्लास, 5th क्लास में आपने एंगल्स किए थे कि हाउ वी ड्रॉ द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, हाउ वी विल ड्रॉ द एंगल ऑफ 30 डिग्री, 180 डिग्री, लाइक दिस. सो यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, जितनी साइड ये थी उतनी साइड ये है, उतनी साइड ये है, और फिर यहाँ से इन दोनों को हमने जॉइंट किया. तो अब यहाँ पे तो हम सिर्फ क्या, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो पैरामीटर क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे क्या है, एक स्क्वेयर है. अब फॉर एग्जाम्पल ये जो स्क्वेयर है इसकी ये साइड 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी, 15 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी, 15 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी, 15 सेंटीमीटर. तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या है, इक्वल है. तो अब पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या बना, अब इस साइड को मैंने नाम दिया ए बी सी डी, ये साइड है ए बी, बी सी, सी डी और डी, 4 साइड्स है. तो अब पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर फार्मूला क्या है, पैरामीटर इज द मेजर्स ऑफ बाउंड्री, की जो बाउंड्री है कि हमने ए से लेके यहां तक सिर्फ इसकी बाउंड्री पे राउंड लगाया, या पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सभी लाइन सेगमेंट को हमने क्या किया, ऐड करेंगे. हम
अब ए बी कितनी है 15 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है 15 सेंटीमीटर, सी डी भी कितनी है 15 सेंटीमीटर और डी ए भी कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो अब इन सभी को हम ऐड करें तो 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 15 क्या आया 60 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया हमारा 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या था, ऑल साइड्स क्या है इसकी इक्वल है 15, 15, 15, 15। अब 15, 15, 15, 15 कितनी बार यूज हुआ है 4 टाइम्स, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी हमें गिवन है उसको हम नाम दे देते हैं साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। सो अब हम फार्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाई ईच साइड, ईच साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर, सो 15 फोर जा 60 सेंटीमीटर, देन ऑल्सो आवर आंसर इज सेम। तो पैरामीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर या पॉलीगॉन। ओके सो पैरामीटर, अब आप पैरामीटर और एरिया में फिर कंफ्यूज भी हो जाते हो, तो पी पैरीमीटर, आप पी पी से याद कर लो, पी मींस क्या होता है प्लस, यानी कि पैरामीटर कौन सा होता है जहां पे हम बाउंड्री की साइड्स का प्लस करते हैं, यानी कि जहां पे सिर्फ हम बाउंड्री के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, या पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, या पैरामीटर इज द मेजर ऑफ द बाउंड्री की, जहां पे सिर्फ उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट होती है वो क्या होता है पैरामीटर होता है, क्या होता है पैरामीटर होता है। अब ये तो हमने किसके बारे में डिस्कस किया, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, अब हम पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, अब रेक्टेंगल में क्या होती है ओपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर यहाँ ए बी की अगर लेंथ 20 सेंटीमीटर है और बी सी की अगर यहाँ 15 सेंटीमीटर है, अगर ये 20 है तो ये इसकी ओपोजिट साइड है, ये भी क्या होगी 20 सेंटीमीटर और ये भी क्या होगी 15 सेंटीमीटर क्योंकि ये इसकी ओपोजिट है। सो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल यहाँ से क्या बना ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सेम वही। तो ए बी की लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर प्लस ए बी प्लस बी सी 15 सेंटीमीटर प्लस सी डी 20 सेंटीमीटर प्लस डी ए 15 सेंटीमीटर। ओके अब देखो यहाँ पे 20 कितनी टाइम बार यूज हुआ है 2 टाइम्स, 15 कितनी बार यूज हुआ है 2 टाइम्स, कि 15 भी 2 टाइम्स यूज हुआ है 20 भी 2 टाइम्स। अब जो 20 है वो हमारी क्या है लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ है, तो लेंथ कितनी बार यूज हुई, यानी कि क्या है हमारा यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ भी 2 टाइम्स ब्रेथ भी 2 टाइम्स, कि 2 टाइम्स तो लेंथ है ओके और 2 ही टाइम ब्रेथ है, तो अब 2 दोनों के पास 2 है तो इसलिए 2 को हमने बाहर कॉमन रखा है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसलिए हम फार्मूला क्या बनाते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ होती है वो भी 2 टाइम्स होती है और जो ब्रेथ आती है वो भी 2 टाइम्स आती है। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा बेटा, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फार्मूला बन गया हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर हमें किसी ट्रेंगल का पैरामीटर निकालना है, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रेंगल, और अगर उसकी सारी साइड इक्वल है तो फार्मूला, तो यहां पे क्या आएगा ऑल साइड आर इक्वल, कितनी है यानी कि रेगुलर फिगर है, एक होती है रेगुलर फिगर एक होती है इरेगुलर फिगर, रेगुलर मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इरेगुलर साइड्स इक्वल नहीं है। अगर साइड्स इक्वल है रेगुलर फिगर है तो उसकी साइड्स कितनी है, फार्मूला कैसे बनता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3 मल्टीप्लाई में साइड, कि 3 साइड्स हैं ऑल साइड्स आर इक्वल है, किसके लिए ये फार्मूला रेगुलर फिगर के लिए, रेगुलर फिगर के लिए फार्मूला क्या है नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द साइड,
ओके, सो 3 मल्टीप्लाई, साइड कितनी हमारी 5 सेंटीमीटर, 3 5 15 सेंटीमीटर। अगर पेंटागन होती, 5 साइड्स होती तो फार्मूला, और सारी साइड्स इक्वल होती तो फार्मूला क्या बन जाता, 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर 6 साइड है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड। 5 साइड्स वाले को बोलते हैं हम पेंटागन, और पेंटागन अगर रेगुलर है तो फार्मूला 5 मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज द फार्मूला फॉर पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन 6 मल्टीप्लाई बाय साइड। पैरामीटर ऑफ आर रेगुलर हेप्टागन 7 मल्टीप्लाई बाय साइड। पैरामीटर फॉर आर रेगुलर ऑक्टागन 8 मल्टीप्लाई बाय साइड, लाइक दिस। तो जितनी साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी मेजर्स ऑफ ईच साइड, ओके। और इरेगुलर फिगर, अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रेंगल ही गिवन है, एक साइड यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, वन साइड इज 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल दिस साइड्स, यानी कि यहाँ पे ये ए है, ये बी है, सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कि 3 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसके साथ पॉइंट है, किसी के साथ भी पॉइंट नहीं है, तो हमने डेसिमल वाले चैप्टर में किया था ना, कि अगर लाइक डेसिमल नहीं है, एक नंबर डेसिमल में है, तो लाइक डेसिमल बनाएंगे तो या तो आप 3.0 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर प्लस 4.0 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो इसको, अदरवाइज पहले आप इनको ऐड करो, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11 और 0.5, या 0 प्लस 5 प्लस 5 5.4 प्लस 4 8, 8 और 3 11, 11.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या डिस्कस किया अभी अब तक हमने, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, ओनली द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, कि हम वहाँ पे सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करते हैं, सिर्फ बाउंड्री के बारे में, दैट इज पैरामीटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया। अब पैरामीटर क्या था, पैरामीटर इज द अमाउंट ऑफ ओनली बाउंड्री, कि सिर्फ एक क्लोज्ड फिगर की सिर्फ क्या है, बाउंड्री है। अब एरिया क्या होता है, दैट स्पेस वी हैव यूज्ड। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जहाँ पे जिस प्लेस पे मैं खड़ी हूँ, तो जितने एरिया के अंदर मैं खड़ी हुई हूँ, दैट इज एरिया। मैंने क्या बोला, जितने एरिया, यानी कि जितना स्पेस मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया खड़े होने के लिए, दैट इज एरिया। अब जो ये बुक है, इसकी बाउंड्री तो क्या है, पैरामीटर। अब ये जो इनसाइड, अंदर का जो पार्ट है, वो क्या है, एरिया। क्या है, एरिया। जब आप कोई भी घर बनाते हो, तो घर के अंदर जो प्लॉट है, प्लॉट के अंदर का एरिया, जो अंदर वाला पार्ट जो हम यूज करते हैं, वो क्या है, एरिया। अब आप गार्डन के अंदर क्या है, बाउंड्री बनाई, वो तो क्या है, उसका पैरामीटर। अब उस गार्डन के अंदर आपने कौन से प्लांट लगाए, वो कहाँ पे यूज हुआ, वो उसका क्या है, एरिया। अंडरस्टैंड, तो क्या है बेटा, वो एरिया। अब एरिया क्या होता है, अब मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ओके। द अमाउंट ऑफ सरफेस क्या है, द अमाउंट ऑफ सरफेस, कि वो अमाउंट एक सरफेस की इनक्लोज्ड मीन्स जो क्लोज फिगर है, इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड, इनक्लोज्ड मीन्स एक क्लोज फिगर के द्वारा बंद कर दी गई है, फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, कि एक क्लोज फिगर के अंदर जो उसकी क्या है, सरफेस है, एक क्लोज फिगर के अंदर जो क्या है, उसका सरफेस है, एक क्लोज फिगर के अंदर का जो सरफेस है, वो क्या कहलाता है, उसका एरिया कहलाता है। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो, अब 8 सेंटीमीटर है ये, फॉर एग्जांपल, अब जो ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, अब ये लेंथ इसकी क्या है, 8 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है इसकी, 8 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के मैंने क्या किया, इसके 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इधर से ये 6 है, तो 1, 2, 3,
फोर फाइव एंड सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अब ये इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, सिक्स. तो एरिया क्या है, एरिया यानी कि जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि जितने पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ, क्योंकि यहाँ से एट सेंटीमीटर थी तो हमने एट इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, वन वन सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, और यहाँ से ये सिक्स है तो सिक्स पार्ट्स में मैंने इसको, तो ये जितने बॉक्सेज आपके बने हैं ये क्या है, इसका एरिया है. अंडरस्टैंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट. तो अब यहाँ पे ये कितने बॉक्सेस बने हुए हमारे, 48. ओके, अब एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट स्क्वेयर, स्क्वेयर यूनिट, यस 48 स्क्वेयर सेंटीमीटर या 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर. अब इसकी जो यूनिट है वो हम स्क्वेयर में क्यों लिखते हैं, आई विल टेल. अब ये देखोगे कितनी थी, 8 सेंटीमीटर. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो कितनी हुई 48 स्क्वायर सेंटीमीटर. यानी कि फार्मूला क्या बना, अगर हम 8 8 यहाँ पे कितनी बार है, 6 टाइम्स, यानी कि ये क्या हमारी लेंथ और ये क्या हमारी ब्रेथ. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हम फार्मूला क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या लिखते हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अब लेंथ कितनी है यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है वहाँ पे हमारी, 6 सेंटीमीटर. अब अगर हम 8 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 6 जा 48. अब यहाँ सेंटीमीटर के साथ अगर हम सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर भी कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स अगर कोई भी चीज़ है तो यानी कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर कितनी बार यूज हुआ, 2 टाइम्स, तो इसको बोलते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वेयर या 48. अब जो ये स्क्वेयर यहाँ लगाया, हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं स्क्वेयर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए जो आंसर है वो किस में आया, जो एरिया में जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्क्वेयर में होती है, यूनिट स्क्वेयर, स्क्वेयर यूनिट. एरिया हमेशा आंसर, एरिया का जो आंसर होता है वो हमेशा स्क्वेयर यूनिट के साथ आता है. यूनिट आपकी मिलीमीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, एनीथिंग विल कम. ओके, सो ये किसका एरिया निकाला हमने, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. अब एरिया ऑफ अगर हम स्क्वेयर निकालना है, अब स्क्वेयर में क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर है, स्क्वेयर होगा तो ये भी 4 होगी, ये भी 4, ये भी 4, इट मींस 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वल इक्वल, 1 2 3 एंड 4. अब यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हुए, 4 4 एंड 4 8 12 16, तो क्या है आंसर हमारा, कितने बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे, 16. तो आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है बेटा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब ये क्या, यहाँ पे हम एक किसके एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या है, हमने इसको मान लिया एक साइड है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि जितनी इधर से उतनी इधर से है, तो हमने इसको ले लिया साइड मल्टीप्लाई साइड. अब वो साइड 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, एनीथिंग विल कम, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो यहाँ पे हमारी साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर, और अनदर साइड भी क्या आएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल. सो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, 4 जा 16, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी 2 टाइम्स है, तो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट आंसर विल कम. सो टुडे वी विल डिस्कस द पैरामीटर एंड एरिया. एरिया का होता है किसी भी क्लोज फिगर के, जब हम अंदर के यानी कि उसकी सरफेस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लोज फिगर के एंड क्लोज सरफेस, इनसाइड के बारे में, इनसाइड सरफेस के बारे में बात करते हैं, दैट इज
एरिया, और जब हम किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहां पे क्या आता है बेटा, वहां पे हम क्या फाइंड करते हैं, पैरामीटर। ओके, सो टुडे व्हाट्स योर वर्क टू रिवाइज द पैरामीटर एंड एरिया। आपको पैरामीटर और एरिया के बारे में यू हैव टू गिव सम एग्जाम्पल्स कि जो आप पैरामीटर हम कि पैरामीटर ऑफ एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ पेंटागन क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ हेक्सागन और एरिया के बारे में, एरिया ऑफ अ स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया हमने और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया। सो टुडे यू विल राइट सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द पैरामीटर एंड एरिया। बेसिक टर्म्स आई विल सेंड टू यू, दीज टर्म्स यू हैव टू राइट इन यूर नोटबुक। ओके बेटा, थैंक यू।